राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर भिलाई सेक्टर 2 वॉलीबॉल मैदान में भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी व छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में खेल दिवस मनाया गया। खिलाड़ियों ने यहां आकर्षक मैच की प्रस्तुतियां दी। खेल दिवस के मौके पर खेलों को बढ़ावा देने व खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने का उद्देश्य लिए भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी व छत्तीसगढ़ कांग्रेसी स्पोर्ट्स प्रकोष्ठ के संयुक्त प्रयास से खेल दिवस मनाया गया। यहां जोन अध्यक्ष राजेश, ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद प्रभाकर, पार्षदगण शामिल हुए, साथ ही गणमान्यों की उपस्थिति भी यहाँ पर रही। यहाँ अतिथियों का सम्मान की कड़ी में कोचेस का सम्मान जहाँ किया गया, वहीं प्रमुख रूप से पीराजू, थ्रो बॉल से नेहा, डॉस बॉल से राजेंद्र सिंह, क्रिकेट से बी चिन्नावर, साइकिलिंग एसोसिएशन से इन लोगों का भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा सम्मान किया गया। वहीं फिर अवसर आया शो मैच का, तो मैच के पूर्व अतिथियों ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। वहीं मैच प्रारंभ होते ही खिलाड़ियों ने मनमोहक मैच भी प्रस्तुत किए। भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी व छत्तीसगढ़ कांग्रेसी स्पोर्ट्स प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ख्वाजा अहमद व आए हुए गणमान्यों ने खेल दिवस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, हमारे हिंदुस्तान जो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस आज 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो 2012 में हमारी सरकार ने चालू किया था, और यह एक बहुत बड़ा खिलाड़ियों के लिए, हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए डे है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी जो इलाहाबाद में जन्म हुए उनके नाम पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने हॉकी क्षेत्र में उन्होंने 3 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और 3 मेडल जीता उन्होंने, और ये हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रीय जो खेल दिवस है हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, हम खिलाड़ियों के लिए। और मैं यही नए खिलाड़ियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये खेल अपने देश के लिए खेले, अपने फिटनेस के लिए खेले और अपने देश का नाम रोशन करें, ताकि अच्छे से अच्छा हमको भारत को मेडल मिल सके। आज यहाँ किन किन खेलों को शामिल किया गया है? देखिए, हमारे भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी में करीब हमारे 5 खेल चलते हैं, जैसे वॉलीबॉल है और डॉजबॉल है, अपना रॉक बॉल है, उसके बाद क्रिकेट है और हमारा गतका एसोसिएशन। ये हम सभी खेल को लेके भिलाई एकेडमी जो बनाया है हमने, कि मैक्सिमम खेल को कवर करे और यहाँ खिलाड़ियों को सुविधा जो हो सके हम लोग एकेडमी की तरफ से हम उनको प्रोवाइड करा सके। आप खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस ग्राउंड के लिए क्या मांग करते हैं? मैं, हमारे जो विधायक है भिलाई श्री देवेंद्र यादव जी, हमने उनसे डिमांड किया है और उनके सहयोग से अभी जो घेरा हुआ है हमारे यहाँ पे, उनके सहयोग से ये कार्य कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पे अभी जैसे लैट्रिन बाथरूम या चेंजिंग रूम, हमारे यहाँ मैक्सिमम गर्ल्स 120 गर्ल्स खेलती है, उनकी चेंजिंग रूम की समस्या है, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे महापौर और हमारे विधायक जी इसमें सक्षम है कि बहुत जल्दी ये कार्य को कम्प्लीट कर देंगे, ताकि खिलाड़ियों को भविष्य और उनके जो सुविधा को देखते हुए बहुत जल्दी मिल जाएगी उनकी मांग। मैं सेक्रेटरी हूँ साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ और जॉइंट सेक्रेटरी हूँ साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग को तो BSP से सारी फैसिलिटीज मिलती है, फैसिलिटीज का मतलब हमारे पास ग्राउंड है भिलाई होटल के सामने वाला, और वेलोड्रम अभी बन रहा है, हमारा तैयार हो रहा है, अभी वैकेंसी के साहब जो यहाँ के हेड इक्विपमेंट है उनके प्रयास से वेलोड्रम की तैयारी, सितंबर तक हमारा वेलोड्रम भी साइकिलिंग का बन जाएगा, और साइकिलिंग के टोटल इंडिया में 13 वेलोड्रम हैं, ये मिला करके 14वां हो जाएगा। साइकिल पोलो हमारा जो खेल है छत्तीसगढ़ का, जिसमें भिलाई के मैक्सिमम बच्चे हैं, देश में हम लोग नंबर 1 की स्थिति में है। भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी में साइकिल पोलो को शामिल किया गया? हाँ, भिलाई स्पोर्ट्स सेंटर के क्लब BSP क्लब है हमारा साइकिल पोलो का, भिलाई प्लान के जो क्लब है हमारा BSP साइकिल पोलो क्लब भी साइकिल। खेल दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम से खिलाड़ियों में जहां उत्साह वर्धन हुआ, वहीं वे खेल की बारीकियों से भी अवगत हुए। खेल दिवस के अवसर पर भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी व छत्तीसगढ़ कांग्रेसी स्पोर्ट्स प्रकोष्ठ का प्रयास बेहद सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।